नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिनमें एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग वहां के हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये गंभीर मामला है, अगर जरूरत हुई तो वो खुद श्रीनगर जाएंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये टिप्पणी जम्मू कश्मीर के बच्चों को लेकर जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दरअसल बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि घाटी में 10 से 18 साल के बच्चों को हिरासत में लिया जा रहा है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसके लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील करें। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। उन्होंने बताया कि कश्मीर बंद के चलते वकील हाई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने हैरानी जताई और कहा कि अगर आम आदमी राज्य की हाई कोर्ट का रुख नहीं कर पा रहे हैं और अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है। चीफ जस्टिस ने इस बारे में हाई कोर्ट के जज से भी रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा, ये बेहद गंभीर मामला है और वो इस मामले में किसी वकील की दलील सुनने के बजाय सीधे खुद हाई कोर्ट के जज से बात करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो श्रीनगर भी जाएंगे। यही नहीं, चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता को भी चेतावनी दी और कहा कि अगर आपका दावा गलत हुआ तो उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, जिनमें 8 याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को भी जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। आजाद श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बारामूला जा सकेंगे, ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों का हालचाल ले सके। हालांकि इस दौरान उनको किसी तरह का भाषण और रैली करने की मनाही है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर कश्मीर मुद्दे पर पूरी तस्वीर साफ करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि धीरे धीरे राज्य के हालात सामान्य बनाए जाएं, स्कूलों और अस्पतालों को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां कई पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब वहां के हालात सामान्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने बताया कि इस दौरान एक भी गोली नहीं चली। यही नहीं, कश्मीर के 88% पुलिस थानों से प्रतिबंध हटा दिए गए। थाने शहर में एकत्र आए सभी सज्जन वृंद, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग हर्षित हैं, उल्लास में हैं कि आखिर एक लंबे समय से जिस लड़ाई को, वैचारिक लड़ाई को हम लड़ रहे थे, उसमें इस बार सफलता मिली और धारा 370 की धाराएं 5 अगस्त को संसद के फ्लोर पर धाराशाही हो गई। इसके लिए आप सबको हार्दिक अभिनंदन। मुझसे कहा गया है कि मैं धारा 370 पर अपने विचार भी रखूं और आपके सामने सच्चाई को रखने का प्रयास करूं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि इस विषय के साथ न्याय कैसे कर पाऊंगा कुछ मिनटों में। जो 69 साल का अन्याय है, उस अन्याय को उस सब्जेक्ट के साथ कुछ मिनटों में न्याय करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि धारा 370 के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूं। धारा 370 के हमारे साथ कुछ तो लीगल टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको हमको समझने की आवश्यकता है और कुछ हमारे भावनात्मक संबंध की दृष्टि से भी हमको कुछ समझने की जरूरत है। मैं अपने वक्तव्य को 3 भागों में बांटूंगा। एक, धारा 370 आर्टिकल 370 आया कैसे। दूसरा, आर्टिकल 370 के कारण क्या अन्याय हुआ
और तीसरा कि धारा 370 गया कैसे। ये तीन भागों में मैं चीजों को बांटने का प्रयास करूंगा। जम्मू कश्मीर के नेता पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दुनिया को हमेशा और देश को हमेशा गुमराह करते रहे कि दीज आर दी स्पेशल पावर्स, आर्टिकल 370 गिव्स अ स्पेशल पावर रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड वी कैनॉट बी इक्वेटेड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। स्पेशल पावर्स की बात को हमेशा करते रहे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप संविधान की कॉपी को 370 की धारा को खोल के देखिए। 370 धारा के चैप्टर के शुरू में ही लिखा हुआ है, दीज प्रोविजंस आर टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल, दे आर नॉट स्पेशल, दे आर टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल। यानी यह कुछ समय के लिए है और यह परिवर्तनशील है। लेकिन दुनिया में नरेटिव सेट किया गया कि धारा 370 हमारे को स्पेशल पावर देता है। तो इसकी सबसे पहली बात तो यह है कि हम स्पष्ट हो जाए कि दीज आर टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे कि धारा 370 के बारे में देश में संविधान सभा में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, इसके प्रति अच्छा विचार नहीं है और इसलिए धारा 370 को सपोर्ट मिलेगा यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला से कहा कि जाओ जाकर के अंबेडकर जी से मिलो और उनको समझाने का प्रयास करो कि हमको किस तरीके से जम्मू कश्मीर को देखने की जरूरत है। इसकी बहस संविधान सभा में नहीं हुई लेकिन संविधान सभा के बाहर अंबेडकर ने जवाब दिया, यू वॉन्ट दैट वी शुड प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ जम्मू कश्मीर, यू वॉन्ट दैट वी शुड प्रोवाइड यू फूड एंड अदर सप्लीमेंट्स द यूनियन ऑफ इंडिया एंड यू वॉन्ट दैट वी शुड गिव यू कनेक्टिविटी एंड यू वॉन्ट दैट वी शुड बिल्ड रोड्स, बट यू डू नॉट वॉन्ट that the citizens of India should get the power in Jammu Kashmir as citizens. As Law Minister of India, I disclaim your idea and I am not with you. ये अंबेडकर ने कहा। उन्होंने कहा तुम्हारे बॉर्डर्स को मैं प्रोटेक्ट करूं, अन्न की व्यवस्था हम करें, सड़क रोड बनाना हमारा काम और भारत के नागरिक को वहां नागरिकता न मिले ये संभव भारत के कानून मंत्री के रूप में मैं नहीं दे सकता। आई विल नॉट प्लीड योर केस। आपको जानकर के आश्चर्य होगा और मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लें, 1949 में 17 अक्टूबर को गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में आर्टिकल 370 के बारे में रखा और उन्होंने क्या विषय रखा, उन्होंने कहा कि टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर दिस आर्टिकल 370 विल बी ऑपरेटेड। भारत के संविधान को लागू करने के लिए धारा 370 लागू करेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1949 में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द स्टेट इज इन वॉर, वो लड़ाई युद्ध में है स्टेट और वहां का कंस्टिट्यूएंट असेंबली और वहां की विधानसभा मृत प्राय है, इज डेड एट द मोमेंट, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इन ऑफ इंडिया इन जम्मू कश्मीर एंड फॉर दैट आर्टिकल 370 विल प्रोवाइड दैट द लॉज आर परमिटेड इन 370 एंड इन 370 इट इज इंप्लीमेंटेड एंड व्हेन देयर विल बी पीस द संविधान सभा the constituent assembly of Jammu Kashmir which will ultimately give the power to the Vidhan Sabha, the legislative assembly of Jammu Kashmir to wind up article 370 and come into the mainstream. यह temporary व्यवस्था है, युद्ध चल रहा है, युद्ध शांत होगा तो संविधान सभा इसको लागू करेगी
और लागू करके भारत के साथ पूरा का पूरा आर्टिकल 370 को हटा करके भारत का संविधान ठीक ढंग से लागू होगा। ये गोपाल अय्यंगर स्वामी जी ने वहां समझाने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर इज प्लेस्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ शेड्यूल 1 वेयर इट सेज कि जो महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जम्मू कश्मीर की बाउंड्री रखी है दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया। उसका 15वां नंबर पड़ा आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दिया है वह 15वें नंबर पर भारत का जम्मू कश्मीर का स्टेट कहलाएगा। यह उन्होंने उस पर जोड़ने का प्रयास किया।